हेलो बच्चों, आज हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे कैसा होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उसके, और देखते हैं टेरिडोफाइट्स। ये सिलेबस में ब्रायो के बाद आता है, यानी ब्रायो इवॉल्व होके ये बने होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइटा जो टर्म है वो कैसे बना है। तो वो ग्रीक वर्ड है, तो इसको पॉइंट वाइज ले लेते हैं। पहला पॉइंट ले इसमें नोट कर लेते हैं कि ये टेरिडोफाइटा टर्म किस प्रकार का है। ग्रीक वर्ड होता है, इज ए ग्रीक वर्ड। अब ये बना कैसे है इसको देख लेते हैं, यानी ग्रीक ओरिजिन से बना है। इसमें पहला हो जाएगा टेरोन, टेरिडो टेरोन, TERON। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप टेरिडोफाइट में फर्न को देखेंगे तो जो उसका लीफ स्ट्रक्चर होता है फेदर लाइक होता है, तो टेरोन का मतलब क्या हो जाएगा, फेदर, पंख जैसे। ठीक है, और फाइटॉन तो जानते ही हैं, प्लांट्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, फाइटॉन्स का मतलब प्लांट हो जाता है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, टेरिडो फाइटा हो जाएगा। और ये जो ग्रीक वर्ड है ये टेरोन और फाइटॉन, टेरोन मीन्स फेदर लाइक फिगर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए फिगर बनाते हैं तो आप देखेंगे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे निकला रहता है, और एक में अगर जो बनाते हैं तो आप देखते हैं ऐसे 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 डिजाइन लिए रहता है, इस प्रकार से आप देखते हैं, तो ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और इसी लीफ को फॉन्ट्स भी बोलते हैं, फॉन्ट्स। एक एक करके देखते हैं, और ये आगे लिख सकते हैं एंड द नेम, यानी जो टेरिडोफाइटा टर्म दिया गया है, नेम वाज ओरिजिनली गिवेन टू ए ग्रुप, गिवेन टू ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स। नोट करते जाएंगे, ऐसे प्लांट के ग्रुप को ये नाम देते हैं बिकॉज ऑफ देयर देयर लीफ से संबंधित है, तो उसका जो लीफ है वो पिनेट या फेदर लाइक है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं, पिनेट या फेदर। फ्रॉन्ट्स, ये जो फ्रॉन्ट्स हैं ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा है, तो जो टेरिडोफाइट्स की जो लीफ होती है उसको फ्रॉन्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा और हम लोग यानी इसको लिख सकते हैं लीव्स ऑफ फर्न, उसको फ्रॉन्ट्स बोल देंगे, ऑप्शन में रहता है, लीव्स ऑफ फर्न को फ्रॉन्ट्स बोल देते हैं, या ऐसे कर सकते हैं अलोंग लीफ ऑफ द
डिवाइडेड यानी ये लीफ जो है वो डिवाइडेड होती है और उसमें एज बनते हैं। पार्ट्स अब देखेंगे, ये जो लीफ स्ट्रक्चर है अभी फिगर में आप देख सकते हैं, जो लीफ स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कि वो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और ये अलोंग द एज किनारे तक जाता है, यानी डिवीजन उसका किनारे तक जाता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, फ्रॉन्ट्स बोल देते हैं। ये नया टर्म है, मतलब और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, टेरिडोफाइट में ही देखेंगे फ्रॉन्ट्स, डिजाइनर लीफ। इसलिए इस प्रकार की जो पत्तियाँ होती हैं उसका यूज डेकोरेशन में अक्सर होता है, शादी विवाह और भी प्रोग्राम जो होते हैं उसमें डेकोरेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं इसको, दूसरा पॉइंट बनाते हैं, यानी टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगेंस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अब देखेंगे कि वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है, यानी वैस्कुलर का मतलब वैस्कुलर टिश्यूज पाई जाती है, यानी ब्रायो में आप देखें उसमें नहीं था लेकिन इसमें शुरुआत हो रही है, और इसमें सीड या फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। स्ली सीड्स एंड फ्लावर आर अब्सेंट, तो लिख सकते हैं वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट को ऐसे लिख सकते हैं, सीड्स या फ्लावर्स अब्सेंट, आप अब्सेंट पूरा लिख सकते हैं या ये साइन हम लिख सकते हैं अब्सेंट का। तो अब देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू पाई जा रही है, सीड और फ्लावर नहीं पाया जा रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये जनरल करेक्टर है, शुरू करते हैं इसको वन बाय वन देखते हैं। ये जो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं, यानी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स असेंबलेज ऑफ, नोट करते जाएंगे वही बात लिख देते हैं, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स, इसका मतलब क्या हो गया, सीड या फ्लावर्स अब्सेंट, ठीक है ना। That have successfully that have successfully invaded the land, यानी इनकी वजह से ये बहुत ही आसानी से लैंड पे इन्वेड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। एंड उसी में बढ़ा लेंगे, एंड रिप्रोड्यूस भी करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस, बाय फ्लावर तो है नहीं, सीड भी नहीं बन रहा है, तो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। तो एक बात ध्यान आने में आएगा अभी कि सीड और फ्लावर नहीं है लेकिन इसमें स्पोर है, तो ये ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं इसके लाइफ में दो फेज होता है, एक गेमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। तो लिख लेते हैं चौथा पॉइंट इसको कि टू डिस्टिंक्ट फेज, यानी टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन द लाइफ ऑफ, किसकी बात हो रही है, टेरिडोफाइट्स या वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स, किसकी बात हो रही है, वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स में दो प्रकार के फेज पाए जाते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट, इसमें पहला आप लिख सकते हैं गेमेटोफिटिक फेज, इसके बारे में नोट कर लेते हैं क्या करता है फिर एंड स्पोरोफिटिक फेज, दोनों फेज पाया जाता है जो एक वन बाय वन आते हैं, विच फॉलो वन एनदर, लिख सकते हैं वन एनदर इन रेगुलर सक्सेशन, वन बाय वन आते हैं, यानी ये दो प्रकार के जो फेज हैं, ये बी हो गया, ये इसको ए बोल देते हैं। नेक्स्ट ये रेगुलर सक्सेशन के फॉर्म में आते हैं वन बाय वन, तो इसको शुरू करते हैं पहला नोट कर लेंगे ए गेमेटोफिटिक फेज, गेमेटोफिटिक फेज यानी हैप्लॉइड फेज हो जाता है, आगे देखेंगे वन बाय वन आएगा। ये प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स, ध्यान देंगे प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स, ये एक पॉइंट बन सकता है दूसरा पॉइंट बना लेंगे इसका, पहला दूसरा पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अभी जैसे यह लिखा गया है तो लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए हैप्लॉइड बोला गया है, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स, ठीक है, इसीलिए हैप्लॉइड बोल देते हैं, दैट इज हैप्लॉइड, इसको क्या बोल सकते हैं, हैप्लॉइड फेज भी बोल सकते हैं, हैप्लॉइड फेज। ये चूंकि स्पोर के द्वारा हो रहा है तो स्पोर भी अप्लाइड होते हैं, और ये गेमेटोफिटिक फेज है तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है, और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो भी आप हैप्लॉइड बोल सकते हैं, इसीलिए ये हैप्लॉइड फेज है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं हैप्लॉइड फेज के बाद, चूंकि गेमेटोफिटिक है इसलिए हैप्लॉइड फेज है, एन इसीलिए लिखा गया है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ये गेमेटोफिटिक फेज बियर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, इन ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रीडिया और किगोनिया। And results in the formation of, समझ गए होंगे, in the formation of क्या बना देंगे, gamete बना देंगे, gametes, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, गैमेटोफिटिक फेज हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद इसी में आगे नोट कर लेते हैं, बी स्पोरोफिटिक फेज। ये डिप्लॉयड टाइप के, तो टू एन लिख सकते हैं इसको। और ये कैसे होता है, इसको पॉइंट बना लेते हैं, यानी स्पोरोफिटिक फेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय द जाइगोट। इसमें किससे बनता है, ये जाइगोट से। और जाइगोट कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ लिख सकते हैं, जाइगोट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट, उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, जायगोट हो जाता है। अब देखेंगे इसमें, इसमें वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जुड़ता था, इसमें देखेंगे कंसिस्ट ऑफ, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ, वन के जगह पे यहाँ टू हो जाएगा, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स, ये हो गया। और इसको क्या कहेंगे, दैट इज, कोई बताए, डिप्लॉयड फेज कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक तीसरा पॉइंट इसमें बना लेते हैं, इसी में नोट कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। ये जो स्पोरोफिटिक फेज होता है, ये नॉन सेक्सुअल जनरेशन होता है, यानी स्पोरोफिटिक फेज इज नॉन सेक्सुअल जनरेशन, नॉन सेक्सुअल जनरेशन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, स्पोर्स हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें स्पोर बनते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में नोट कर लेंगे कुछ नाम, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन मेन मेन नाम नोट कर लीजिए, जैसे फर्न है, अभी लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, इक्विसिटम है, और भी बहुत सारे नाम हैं, मार्सिलिया है। तो वन बाय वन आप अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, और पार्ट जो है, ये तो बहुत सिंपल पार्ट है,
वन बाय वन देखेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में कि दो फेज होते हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। अब वन बाय वन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। आज यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों, इसको नोट कर लेंगे।